में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने नवंबर के दो दिन इंदौर और होशंगाबाद संभाग में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र में वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में लक्षद्वीप व कोरोसेना सागर के बीच कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल रखा है। इसके असर के कारण ही इंदौर व होशंगाबाद संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 10 नवंबर के लिए मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए अलर्ट जारी किया है। 10 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन दोनों संभागों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में किसान अपनी फसल की कटाई और सुरक्षित रखने का काम 2 से 8 नवंबर के बीच कर ले। इस दौरान मौसम खुला रहेगा और धूप भी निकलेगी। वही आसमान के हल्के बादल रहेंगे और बीच में अच्छी धूप भी निकलेगी और बीच में अच्छी धूप भी निकली। शाम को कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी मौसम सामान्य रहेगा। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 31 डिग्री तक दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। देश के अधिकांश इलाकों में मॉनसून की वापसी होने के बाद भी अभी मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के इलाकों की हल्की बारिश का दौर अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ आपने वेदर चेंज देखा है जिसमें लंबी तक हमको बारिश प्राप्त हो रही थी और क्लाउडी वेदर भी था, बूंदाबांदी भी थी। उसकी जो प्रमुख रीज़न था वो महा जो हमारा साइक्लोन था उसकी वजह से हो रहा था, परंतु अब ये साइक्लोन ने यू टर्न लेते हुए गुजरात की ओर अग्रसित हो चुका है। परंतु गुजरात से पुनः उसके रिट्राइव होकर उसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश की तरफ परिलक्षित हो सकता है 7 और 8 तारीख के आसपास, और उसकी वजह से बड़वानी है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। इंदौर में भी अच्छी बारिश की संभावना है 7 और 8 तारीख में बनी हुई है कि हो सकता है कि 7 और 8 तारीख को हमारे इंदौर और मालवांचल के आसपास भी बारिश हमें प्राप्त हो, हल्की से भारी बारिश भी हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है।